निजी स्कूलों की बसों में मनमानी को रोकने के लिए हमीरपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान पुलिस ने स्कूली बसों की चेकिंग कर अनियमितताएं पाए जाने पर करीब 130 बसों के चालान काटे हैं। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से निजी स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। गत कुछ माह पहले नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे के बाद पुलिस पूरी तरह से सचेत होकर काम कर रही है और इसी के चलते हमीरपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बसों में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग, बिना सीट बेल्ट इत्यादि नियमों की उल्लंघना करने पर कार्रवाई की है। वहीं स्कूल वाहनों के संचालकों एवं चालकों को नियमों की उल्लंघना न करने के लिए सचेत किया है ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो। एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस ने गत दो दिनों में 130 स्कूली बसों के चालान किए हैं और स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि अगर दोबारा से कोताही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये पिछले दिनों जो दुखद घटना नूरपुर में हुई थी उसको देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो समय समय पर ये अभियान चलते रहते हैं। कल भोरेंज थाने और अवादेवी के औचक निरीक्षण में मैंने पाया कि कुछ गाड़ियां जो कि अधिकृत नहीं है बच्चों को सवारियां ढोने के लिए, टैक्सी गाड़ियां हैं, वो भी बच्चों को ले जा रही हैं, तो उन गाड़ियों को पकड़ के उनका चालान किया गया। साथ ही साथ स्कूल बसेज को भी चेक किया। इसी क्रम में आज 62 से ज्यादा स्कूल वाहनों का सुबह जांच की गई है, जिसमें से 20 के आसपास का चालान किया है। किसी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, तो कोई ड्राइवर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे, किसी में कंडक्टर नहीं था, साथ ही साथ किसी में ओवरलोडिंग थी और कोई इसमें अधिकृत था ही नहीं। तो इस सबको देखते हुए इसके खिलाफ अभियान चलाया। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी स्कूल कोताही बरतता है, कोई भी वाहन चालक कोताही बरतता है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे थाना स्टाफ और पीपी जो स्टाफ होगा उसकी भी होगी।